अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक है और आज की वीडियो हमारी लैटिस एनर्जी के ऊपर है। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लैटिस एनर्जी किस तरह डिटरमिन की जाती है, किस तरह लैटिस एनर्जी की वैल्यू निकाली जाती है और उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो है ये लैटिस एनर्जी डिपेंड कर रही होती है, और उसके बाद अगर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, हमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप बताएं कि किस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, तो टॉपिक समझने के बाद आप इजीली डिटरमिन कर सकेंगे कि आपके सामने किसी भी तरह का आयनिक कंपाउंड रखा जाए तो आप बता सकते हैं कि किन कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है और किसकी लैटिस एनर्जी जो है वो कम है। तो स्टार्ट करते हैं। लैटिस एनर्जी के बारे में बात आपसे पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर हुई है, स्टार्ट हम फिर वहीं से लेंगे कि हमारे पास एक सोडियम एटम है, सोडियम आयन है गैसियस स्टेट, और उसके बाद दूसरा हमारे पास आयन है क्लोराइड आयन गैसियस स्टेट में, और इसके मिलने से हमारे पास कंपाउंड बना NaCl, और ये हमारे पास बन गया सॉलिड स्टेट में। इस कंपाउंड जब ये दो आयन्स आपस में मिले हैं, अब याद रखनी है लैटिस एनर्जी के अंदर ये बात फिक्स कर लेनी है आपने कि कंपाउंड जब बनता है तो वो गैशियस आयन से जब कंपाउंड बनता है उस नतीजे में जब यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम लोग लैटिस एनर्जी का नाम देते हैं। अब ये बात फिक्स है, अब यहाँ पे वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड जब फॉर्मेशन होती है उसकी, तो वो किससे होगी, आयन्स के मिलने से। तो याद रखना है ये जो आयन्स है ये गैशियस स्टेट में होते हैं, और आपको पता है मैंने आपसे लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि सोडियम है, सोडियम कंप्लीट करके अपना ऑक्टेट, क्लोराइड भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर गया है, लेकिन ये गैशियस स्टेट में होते हैं और गैशियस स्टेट ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये जब मिलते हैं तो मिलने के बाद ये सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, सॉलिड स्टेट में ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो जब ये एक सोडियम आयन और क्लोराइड आयन गैशियस स्टेट में आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जब ये कंपाउंड बनता है तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वो लैटिस एनर्जी है। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये याद रखना है कि गैशियस स्टेट में आयन्स मिलने से जब आपके पास कंपाउंड बनता है उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये गैशियस स्टेट लाजमी याद रखनी। क्यों? क्योंकि जब भी आपने आयन की फॉर्मेशन करनी है, आपको पता है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है आयनाइजेशन एनर्जी इस्तेमाल करनी है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन भी हमने ये की थी कि हम लोग गैशियस स्टेट से इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं, हम एटम से डायरेक्ट नहीं लूज करवाते, पहले एटम को गैशियस स्टेट में लेके जाएंगे फिर इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन में भी ये था कि हम डायरेक्ट एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं करवाते, पहले हम एटम को गैशियस स्टेट में लेके जाते हैं, उस गैशियस स्टेट में लेके जाने के बाद उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं। तो गैशियस स्टेट पे आयन्स जब आपस में मिल के कंपाउंड बनाएंगे तो गैशियस स्टेट के आयन्स के मिलने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम लोग लैटिस एनर्जी का नाम देते हैं। अब अगर बात करते हैं तो लैटिस एनर्जी को डिटरमिन करने का, लैटिस एनर्जी की वैल्यू निकालने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, यानी अगर हम बात करें तो किसी भी डायरेक्ट मेथड के जरिए हम लोग लैटिस एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट मेथड जरूर है, और जो इनडायरेक्ट मेथड है उसको हम लोग कहते हैं बोर्न-हैबर्ट साइकिल। अब बोर्न-हैबर्ट साइकिल क्या होता है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। बहुत ज्यादा वैसे तो बोर्न-हैबर्ट साइकिल की बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन मकसद है बोर्न-हैबर्ट साइकिल का वो यही है कि लैटिस एनर्जी की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास बोर्न-हैबर्ट साइकिल इस्तेमाल होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बोर्न-हैबर्ट साइकिल के बारे में भी बात करेंगे कि बोर्न-हैबर्ट साइकिल क्या, और उसके बाद हम पहुंचेंगे कि किस तरह हम जो है वो फिर लैटिस एनर्जी पे पहुंचते हैं। अच्छा चले, बोर्न-हैबर्ट साइकिल पे आने से पहले एक वर्ड और, एक और टर्मिनोलॉजी को हम लोग क्लियर करेंगे, एंथैल्पी। इसको एंथैल्पी भी कहते हैं या हीट ऑफ फॉर्मेशन, और इसके लिए मैंने जो सिंबल इस्तेमाल किया वो डेल्टा HF, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, अब ये डेफिनेशन क्लियर करेंगे, ये जब डेफिनेशन हम पढ़ेंगे और डेफिनेशन कवर करने के बाद इसमें और लैटिस एनर्जी में एक डिफरेंस आपने मेन देख लेना, अगर आपको वो डिफरेंस क्लियर हो जाता है तो बाकी चीज़ें हमारे लिए समझना आसान हो जाएगी। अब ये जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी हमें क्या कहती है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। सेम यही था यहाँ पे भी लैटिस एनर्जी में भी यही था कि जब एक मोल आपके पास कंपाउंड बनता है उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। वही बात एंथैल्पी के अंदर की जा रही है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। लेकिन
फर्क इससे थोड़ा सा आगे आता है। लैटिस एनर्जी के अंदर मैंने आपको एक चीज बड़े एक जो है ना एम्फसाइज करके बताई है कि गैसियस स्टेट में जब आयंस आपस में मिलेंगे फिर जो एनर्जी रिलीज होगी वो लैटिस एनर्जी है। लेकिन एंथैल्पी के अंदर या हीट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर कहते हैं कि कंपाउंड तो एक मोल बन रहा है उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज हो रही है लेकिन कंपाउंड गैसियस स्टेट से नहीं बना होगा, फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन प्योर एंड स्टेबल स्टेट। यानी कंपाउंड बन रहा है एलिमेंट की एग्जैक्ट जो उसकी स्टेबल स्टेट है या उसकी प्योर स्टेट है। लेट्स सपोज NaCl की एग्जांपल लेते हैं, यह हमारे पास सोडियम है Na। अगर हम सोडियम की प्योर स्टेट देखें तो सोडियम की प्योर स्टेट होती है सॉलिड, ये गैसियस स्टेट में नहीं होता। गैसियस स्टेट में तो हम इसको खुद लेके आते हैं, सबसे पहले ये सॉलिड स्टेट में होता है। उसके बाद अगर हम क्लोरीन की स्टेबल देखें स्टेट तो वो Cl2 गैसियस स्टेट में होता है और इसके नतीजे में हमारे पास जो है ये NaCl बन रहा है सोडियम क्लोराइड। अब ये जो क्लोरीन है ये गैसियस स्टेट में होता है और यहाँ पे ये जो सोडियम क्लोराइड है ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में बन रहा है। अब देखें कि इन दो में डिफरेंस हमारा क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आइंस हमेशा गैसियस स्टेट में होंगे और जब आइंस मिलके कंपाउंड बनाएंगे तो उसके नतीजे में एनर्जी लैटिस एनर्जी, और यहाँ पे जब एलिमेंट अपनी प्योर फॉर्म में है यानी हमने उसको चेंज नहीं किया, प्योर फॉर्म जिस फॉर्म में वो स्टेबल एग्जिस्ट करते हैं उस फॉर्म में जब मिलके वो कंपाउंड बनाते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है, जो यहां से एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम लोग डेल्टा एच एफ का नाम देते हैं, एंथैल्पी या हीट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा अब जरा देखें कि ये इसकी प्योर स्टेट थी और ये इसकी प्योर स्टेट थी। अब वन बाय वन ये तो एग्जैक्ट हमने देखा कि यहां से सोडियम है और यहां से क्लोरीन है, ये सोडियम क्लोराइड बना दिया। इक्वेशन को अगर हम सॉरी बैलेंस करेंगे तो ये यहाँ पे 1/2 हाफ आएगा, यानी हमारे पास क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स होते हैं तो एक मॉलिक्यूल का अगर हाफ करेंगे तो उसके अंदर हमें एक एटम मिलेगा और हमें वो एटम चाहिए। अच्छा अब इसको ये तो हमने देख लिया एक सिंगल स्टेप के अंदर कि ये रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन के नतीजे में कितनी एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन कह रहे हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये NaCl बनने के प्रोसेस तक काम हुआ किस तरह। अब अगर देखें सबसे पहले हमारे पास सोडियम सॉलिड स्टेट में है, हम इसको आयन बनाना चाहते हैं, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हम आयनाइजेशन एनर्जी देंगे नहीं, सबसे पहले हमने काम ये करना है कि इसको सॉलिड स्टेट से लेके आना है गैसियस स्टेट में। यानी सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस सोडियम को सोडियम सॉलिड स्टेट से सोडियम गैसियस स्टेट। अब इसके लिए यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल होती है, उस एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं सब्लिमेशन एनर्जी या हीट ऑफ सब्लिमेशन के। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे यानी हम सिस्टम को एनर्जी देंगे, सोडियम को एनर्जी देंगे जिससे वो सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद उसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये हमारे पास सोडियम आयन बन जाएगा और ये भी गैसियस स्टेट में होगा। यानी यहाँ पे हमने दूसरे स्टेप के अंदर जो एनर्जी दी वो हमारी थी आयोनाइजेशन एनर्जी और ये भी हमारे सिस्टम के अंदर ऐड हो रही है, यानी ये एनर्जी हम सिस्टम को दे रहे हैं उसको स्टेबल करने के लिए। अच्छा इसके बरक्स अगर दूसरी तरफ आते हैं क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन को सब्लिमेशन एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि ये पहले गैसियस स्टेट में। अब यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी की डेफिनेशन भी मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी भी कंपाउंड को या वन मोल कंपाउंड को आप उसकी सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं गैसियस स्टेट में विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट, तो उसके लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होती है उस एनर्जी को हम लोग सब्लिमेशन एनर्जी का नाम देते हैं। तो इसी तरह क्लोरीन के केस में सब्लिमेशन एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी क्योंकि ये पहले गैसियस स्टेट में है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, आप ये देखें ये Cl और Cl यानी इसके दरमियान यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ। अब हमें तो एक एटम चाहिए, हमें कंप्लीट मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, तो हमें यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। तो ये जो क्लोरीन का सबसे पहले हम लोग एक एटम हासिल करने के लिए, यानी है तो ये गैसियस स्टेट में लेकिन मॉलिक्यूल है, लेकिन हमें मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसका एक एटम चाहिए। तो इसको क्लोरीन के मॉलिक्यूल से इसका एक एटम यानी होगा, ये भी गैस है तो इसको एटमिक फॉर्म में लाने के लिए हमें यहाँ पे इसका बॉन्ड ब्रेक करवाना। तो इसके बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है कि जब आपके पास इस तरह का कोई मॉलिक्यूल हो
उसकी हमने इस तरह ब्रेक डाउन करवानी है कि उसकी होमोलिटिक ब्रेकेज होनी चाहिए। होमोलिटिक का मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉन वापस इसको मिल जाए, इसका इलेक्ट्रॉन वापस इसको मिल जाए और इस तरह की, और इसके नतीजे में जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं, उसको डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं, और उसको डी नॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं नॉर्मली। तो इसका मतलब ये है कि हम फिर सिस्टम को एनर्जी देंगे, कौन सी एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या फिर इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी हम सिस्टम को देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर एक मोल होता तो हम फिर कंप्लीट डिसोसिएशन एनर्जी देते, लेकिन यहाँ पे तो इसके साथ ये नंबर बता रहा है कि क्लोरीन का हाफ मोल है, तो अगर क्लोरीन की तादाद हाफ हो गई है तो डिसोसिएशन एनर्जी को भी हम 2 से डिवाइड कर दें, ताकि हमारी जितनी अमाउंट पहले एक मोल को कन्वर्ट करने के लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ती है, हाफ मोल को कन्वर्ट करने के लिए उससे आधी एनर्जी दी जाएगी। तो मैंने DE को डिसोसिएशन एनर्जी को डिवाइड कर दिया 2 पे। उसके बाद हम अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो जाएगा और ये होगा ये भी गैसीय स्टेट में। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इस इलेक्ट्रॉन ऐड होने की सूरत में हम सिस्टम से एनर्जी लेंगे, यानी सिस्टम से एनर्जी निकलेगी, और ये जो सिस्टम से एनर्जी निकलेगी ये एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब यहां तक ये पहुंच गए कि ये सोडियम आयनिक फॉर्म में है और गैसीय स्टेट में है, ये क्लोराइड आयनिक स्टेट में और गैसीय स्टेट में है। अब यहां पे हम बात करते हैं कि ये सोडियम आयन और ये क्लोराइड आयन आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये यहां पे जब सोडियम आयन गैसीय स्टेट में और क्लोराइड आयन गैसीय स्टेट में है, जब ये मिलके ये कंपाउंड बनाते हैं तो इसके नतीजे में भी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं लैटिस एनर्जी, यानी आयंस के मिलने से जो कंपाउंड बनता है और उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है वो लैटिस एनर्जी। अब ये एक कंप्लीट प्रोसीजर था सोडियम और क्लोरीन के मिलने से सोडियम क्लोराइड बनने का। तो ये इसके अंदर ये देख लें कितनी एनर्जी चेंजेस हुई है, और एनर्जी चेंजेस होने के बाद ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट बना है। अब हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, वो हेज लॉ, हेजिस लॉ कहते हैं इसको। हेजिस लॉ हमें ये बताता है कि अगर आप रिएक्शन को एक स्टेप के अंदर देख रहे हैं, हमने ये कहा कि सोडियम और ये हाफ मोल क्लोरीन आपस में मिला, इसने एक मोल NaCl बना लिया, तो इसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो डेल्टा HF, यानी ये एंथैल्पी थी। हेजिस लॉ हमें ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन एक सिंगल स्टेप के अंदर हो रहा है या कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स के अंदर हो रहा है, तो वो कहते हैं कि अगर एक रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स के अंदर हो रहा है तो उसमें जो जो एनर्जी के चेंजेस आ रहे हैं उन टोटल एनर्जी के चेंजेस को जब आप जमा करेंगे तो वो उसी एनर्जी के बराबर आएगा अगर वो रिएक्शन सिंगल स्टेप पे होता तो उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती। बात समझ में आई है कि यहां पे हेजिस लॉ हमें बता रहा है कि अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स के अंदर हो रहा है तो उसके अंदर ज्यादा एनर्जी के चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इन ज्यादा एनर्जी के चेंजेस को जब हम जमा करेंगे तो ये उसी एनर्जी के बराबर होगा जो कि हीट ऑफ फॉर्मेशन थी या जो कि हमारी एंथैल्पी थी। ये हमें हेजिस लॉ बताता है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस था जिसके जरिए हमने सोडियम क्लोरीन को, सोडियम और क्लोराइड आयन को आपस में मिला के सोडियम क्लोराइड बनाया, और ये सारी की सारी इसके अंदर चेंजेस है। अगर मैं इन सारों को लेके एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो मैंने आपको भी बात बताई है कि डेल्टा HF हमारे पास बराबर है। सबसे पहले हमने एनर्जी दी सब्लिमेशन एनर्जी, तो ये हमारे पास आ गई थी सब्लिमेशन एनर्जी प्लस, फिर हमने कौन सी एनर्जी दी, आयनाइजेशन एनर्जी दी, फिर हम उसके बाद फिर हमने कौन सी एनर्जी दी, हमने डिसोसिएशन एनर्जी दी, लेकिन डिसोसिएशन एनर्जी का हमने क्या दिया, हाफ, तो डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अब हमने दी नहीं, सिस्टम से निकली, तो माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और उसके बाद फिर लैटिस एनर्जी की बात करें तो लैटिस एनर्जी भी सिस्टम से निकली, तो माइनस लैटिस एनर्जी। तो ये एक कंप्लीट इक्वेशन बन गई है, यानी हमारे पास ये आ गया है कि ये जो डेल्टा एफ है और डेल्टा HF है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये इन इन एनर्जी की चेंजेस के बराबर है, यानी ये एनर्जी को जब आप जमा करेंगे और यहाँ पे इन एनर्जी को उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो वही होगा जो अगर ये सिंगल स्टेप के अंदर रिएक्शन होता तो उसका जो हमारे पास आंसर आता। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था। अब ये जो कंप्लीट एक साइकिल दिखाया गया जिसके अंदर सोडियम को सोडियम गैसीय स्टेट में, फिर सोडियम आयन की स्टेट में, इसी तरह क्लोरीन को सबसे पहले उसकी डिसोसिएशन, फिर उसके बाद उसकी आयनिक स्टेट, उसके बाद, अब ये जो कंप्लीट साइकिल है ना, इस साइकिल को हम लोग कहते हैं बॉन्ड हैबिट साइकिल। अब ये चीज
याद रखिएगा कि इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग बॉन्ड हैबर साइकिल कहते हैं। और बॉन्ड हैबर साइकिल से ही आप देख लें कि बॉन्ड हैबर साइकिल में जितनी एनर्जी की चेंजेस आई हैं उन सारी एनर्जी को जमा करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन में एंथैल्पी होगी, और इसी के अंदर से हमारे पास जो है ये लैटिस एनर्जी की वैल्यू हमें मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन बनने के बाद लैटिस एनर्जी को मैं इस साइड पे ले आता हूँ, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा एच एफ को मैं उधर ले जाता हूँ तो हमारे पास लैटिस एनर्जी के लिए इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारे पास लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी बराबर है सेम उसी तरह सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय टू, उसके बाद माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और माइनस डेल्टा एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे लैटिस एनर्जी आ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा साइकिल होता है बॉन्ड हैबर साइकिल, और इस बॉन्ड हैबर साइकिल के जरिए हम लोग कंप्लीट लैटिस एनर्जी को डिटरमिन कर सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट लैटिस एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो कंप्लीट अब देखें कि अगर हम सबसे पहले इस इक्वेशन को देखें तो यहां से लैटिस एनर्जी हमें नहीं मिल सकती। हमने पहले ही बात की थी कि लैटिस एनर्जी को डिटरमिन करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड है, यानी सारी एनर्जीज को निकालेंगे तो वो इसके बराबर आएगी। और अगर हमारे पास ये सारी वैल्यूज होती हैं तो इन सारी वैल्यूज को पुट करके हम फिर जो है वो लैटिस एनर्जी तक पहुंच सकते हैं। तो ये था सारा का सारा लैटिस एनर्जी का। अब हम एक से दो एग्जांपल्स और करते हैं। ले जी, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अच्छा, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम, इसकी अगर बात करें तो ये भी हमारे पास मेटल है तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है O2 की फॉर्म में, और ये हमारे पास बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। सेम उसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन एक है तो इसका हाफ मोल इस्तेमाल होगा, और इसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारे पास होगी डेल्टा एच एफ। अब ये एग्जांपल मैंने इसके लिए कि इसमें हमें इलेक्ट्रॉन दो मरतबा निकालना पड़ेगा और ऐड भी दो मरतबा करना पड़ेगा, तो स्टेप्स इसके अंदर थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, काम वही है सारा का सारा। अब देखिए, अगर सबसे पहले मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में, सबसे पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को लेके आना पड़ेगा इसकी गैशियस स्टेट। और हमें पता है कि मैग्नीशियम को अगर मैं गैशियस स्टेट में लेके आना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे जो एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ेगी वो एनर्जी कौन सी होगी, सब्लिमेशन एनर्जी। ये एनर्जी मैं सब्लिमेशन एनर्जी सिस्टम को लेता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद मैग्नीशियम के अंदर से मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाता हूँ, मैग्नीशियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये मैग्नीशियम और ये इसकी गैशियस स्टेट। अब ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मैंने सिस्टम को एनर्जी दी वो एनर्जी मेरे पास कौन सी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी। लेकिन अब देखें, अगर हम इस कंपाउंड को देखते हैं तो इस कंपाउंड उस वक्त बनता है जब मैग्नीशियम के ऊपर 2+ और ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज हो। अब यहां तक तो मैग्नीशियम के ऊपर +1 चार्ज है, तो मुझे मैग्नीशियम के ऊपर एक और चार्ज लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा कि मैग्नीशियम के अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला था, इसके ऊपर एक पॉजिटिव था, अब 2 चार्ज आ रहे हैं, तो ये गैशियस स्टेट। और यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल हुई है उस एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का, और ये भी हम सिस्टम को देते हैं। अब याद रखिएगा कि ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है और ये हमारी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी के आर्टिकल के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भी एटम के गैशियस स्टेट में से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होती है उस एनर्जी को फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और उसी शेल के अंदर से जब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन यानी उसका नेबरिंग इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसके लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम गैशियस स्टेट में आ गया, इसके ऊपर 2+ चार्ज आ गया। अब हम चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की बात कीजिए तो हमें पता है कि ऑक्सीजन वैसे ही गैशियस स्टेट में होता है। उसके बाद गैशियस स्टेट में सेम वही बात कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये दो एटम्स आपस में मिलकर रह रहे होते हैं तो हमें ये बॉन्ड ब्रेक करवाने हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए जो एनर्जीज इस्तेमाल होती है वो आपको मैंने बताया था कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है या डिसोसिएशन एनर्जी उसको कह लेते हैं, और उसको डिनोट करते हैं हम लोग DO से। तो पहली एनर्जी यहाँ पे इस्तेमाल होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, O गैशियस स्टेट एटॉमिक फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, यानी हमें एक एटम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो एनर्जी इस्तेमाल की वो मैं लिख देता हूँ डिसोसिएशन एनर्जी। और सेम वही बात कि अगर एक मोल के लिए जितनी डिसोसिएशन एनर्जी होती तो हाफ मोल के लिए उससे कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो डिसोसिएशन एनर्जी को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से। उसके बाद अगर आप आगे आते हैं तो ऑक्सीजन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे, और ऑक्सीजन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसके ऊपर साइन आ जाएगा माइनस,
और ये हो गया गैसीय स्टेट। अब आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के नतीजे में सिस्टम से एनर्जी निकलती है, यानी यहाँ पे आपके पास सिस्टम से एनर्जी निकलती है, और ये जो सिस्टम से एनर्जी निकलती है वो एनर्जी हमारे पास कौन सी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। लेकिन बात तो फिर वही है कि ऑक्सीजन तो उस वक्त मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जब ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू है, तो हम क्या करेंगे, एक और इलेक्ट्रॉन हमें ऑक्सीजन के अंदर ऐड करवाना पड़ेगा। तो एक और इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करवाएंगे तो ये ऑक्सीजन के ऊपर पहले माइनस था, फिर एक और माइनस आ गया, ये गैसीय स्टेट। अब यहाँ पे फिर जो एनर्जी एक यहाँ पे एक टर्म आएगी वो होगी आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अब एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि हमें पता है कि जब किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो वो बड़ी अच्छे तरीके से उसे एक्सेप्ट करता है और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन उसी शेल के अंदर जब हम कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाते हैं तो एटम उसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसके ऊपर पहले एक नेगेटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करने लगे हैं उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब हम ऐड करवाएंगे तो वो एनर्जी देगा ही नहीं, तो सबसे पहली बात है कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो अगर हम उसके अंदर करवाना चाहते हैं तो हमें जबरदस्ती यानी एनर्जी देनी पड़ेगी। पहले तो ये था कि इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो एनर्जी निकली सिस्टम से, लेकिन अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो सिस्टम से एनर्जी निकलेगी नहीं, हम जबरदस्ती एनर्जी दे के वो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे। तो यहां पे हमने एनर्जी दी, यानी पहली आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये सिस्टम के अंदर से निकलती है, और उसी शेल के अंदर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो हमें खुद एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए। तो ये एनर्जी जो है ये सिस्टम के अंदर एंटर हुई। उसके बाद अब ये दोनों जो है ये मैग्नीशियम 2 प्लस और ऑक्सीजन 2 माइनस ये आपस में मिले, और आपस में मिलने के बाद इन्होंने ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। और बात फिर वही है कि जब ये आपस में मिले, इसके मिलने के बाद सिस्टम के अंदर से एनर्जी रिलीज हुई, और उस एनर्जी को हम किस एनर्जी का नाम देते हैं, लैटिस एनर्जी। और ये हमारे पास आ गई लैटिस एनर्जी। अब सेम वही बात कि अगर हम इस कंप्लीट को देखते हैं तो ये हमारे पास डेल्टा एच एफ था, यानी अगर रिएक्शन एक स्टेप के अंदर देखते हैं, और उसके बाद हेजेस लॉ के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा जो जिसको हम बॉन्ड हैबर साइकिल कह रहे थे, ये सारा का सारा साइकिल देखें इसके अंदर जो एनर्जी के चेंजेस आ रहे हैं, अगर आप इन सबको जमा करेंगे तो ये डेल्टा एच एफ के बराबर आ जाएगा। और अगर हम इस सारी की एक इक्वेशन बना लेते हैं तो उस इक्वेशन के बाद हम लैटिस एनर्जी को निकाल सकते हैं, जो कि हमने आपको स्टार्ट में बताया था कि इनडायरेक्ट मेथड से निकलेगा, कोई डायरेक्ट मेथड से नहीं निकलेगा। तो अगर इसकी भी इक्वेशन बनाए तो मैं उसको आपको बना के दिखा देता हूँ कि ये आपके पास आ गया जी डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू, सबसे पहले सिस्टम के अंदर एनर्जी ऐड हुई सब्लिमेशन एनर्जी, प्लस फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, फिर उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, फिर उसके बाद डिसोसिएशन एनर्जी और उसका डिवाइडेड बाय टू, उसके बाद सिस्टम के अंदर से एनर्जी निकली जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं, फिर उसके बाद दूसरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सिस्टम के अंदर फिर ऐड हुई तो उसको हम लोग लिखेंगे प्लस में, और उसके बाद लैटिस एनर्जी फिर यहां से रिलीज हुई तो माइनस लैटिस एनर्जी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज पुट करके लैटिस एनर्जी की वैल्यू अगर हमारे पास नहीं है बाकी वैल्यूज है तो लैटिस एनर्जी को इधर ले जाएंगे और डेल्टा एच एफ को उधर ले जाएंगे तो लैटिस एनर्जी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये कंप्लीट मेथड है जिस मेथड के जरिए हम लोग जो है वो लैटिस एनर्जी डिटरमिन कर सकते हैं।